नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चाइना से सटे थाईलैंड ने कैसे खत्म किया कोरोना। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की न्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दुनिया भर में रोजाना हजारों लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजे आंकड़े के मुताबिक इस महामारी ने 6.2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1.5 करोड़ से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगभग सभी देश इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। कोरोना से बचाने के लिए गांव वालों ने 50 से अधिक बच्चों को पिला दी देसी शराब। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 160 से ज्यादा कोरोना वायरस वैक्सीन बन रही है। इनमें से करीब 26 ह्यूमन ट्रायल्स के फेज में पहुंच चुकी है। वहीं 3 वैक्सीन पर लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन आम जन के लिए कब तक आ पाएगी। हालांकि कई देशों में कोरोना बिना वैक्सीन के भी नियंत्रित हो रहा है। इनमें से एक देश थाईलैंड भी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कोरोना अब खत्म की कगार पर है। WHO के मुताबिक थाईलैंड में कोरोना के 3,269 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,105 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं 58 लोगों की मौत हो चुकी है। खुशी की बात तो यह है कि यहां अब कोरोना के 2 से 4 मामले ही सामने आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से किसी के मरने की खबर नहीं है। अब ये सवाल यह है कि चीन से मजा 2,244 दूर स्थित थाईलैंड ने कोरोना को देश में फैलने से कैसे रोका। सोशल डिस्टेंसिंग ने किया कमाल। कोरोना से थाईलैंड के बचने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे चर्चित कारण सोशल डिस्टेंसिंग है। दरअसल थाईलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग यहां की संस्कृति का हिस्सा है। यहां लोग एक दूसरे के गले नहीं मिलते, वे नमस्कार मुद्रा की मदद से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जिसे यहां की भाषा में वाई कहा जाता है। भारत में आई कोरोना से भी खतरनाक बीमारी गुजरात में मिला पहला केस, तुरंत दिखाई सावधानी। जब दुनिया में कोरोना फैलना शुरू हुआ था, तभी थाईलैंड के लोगों ने सावधानी दिखाना शुरू कर दी थी। यहां बहुत जल्दी ही लोगों ने व्यापक तौर पर फेस मास्क को अपना लिया। इसके साथ ही यहाँ की चुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था का भी इसमें अतिरिक्त योगदान रहा है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों का मानना है कि मीकॉन्ग नदी के इलाके वाले सभी देशों के लोगों की जेनेटिक अनोखी है, जिसके चलते उनमें कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोध पैदा हो गया है। हालांकि यहाँ के वैज्ञानिक इसे नहीं मानते।